सिंगरौली जिले के नवोदय विद्यालय में शिक्षक की हैवानियत का मामला सामने आया है। दरअसल यह नवोदय विद्यालय के शिक्षक ने 6वीं के मासूम छात्र को चैप्टर का नाम नहीं बताने पर उसकी कनपटी के सारे बाल उखाड़ दिए। इसके साथ ही शिक्षक ने मासूम छात्र के घर जाकर शिकायत करने पर छात्र का भविष्य बर्बाद कर देने की धमकी भी दी। वहीं छात्र इतनी गंभीर स्थिति में था कि वह कई दिनों से स्कूल भी नहीं जा पाया। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल BS गुप्ता ने भी आरोपी शिक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और 3 सदस्यीय जाँच समिति गठित की है। हमारा बच्चे का नवोदय में पढ़ाई हुआ और एक मास्टर ने एक बार पहले मारे तो हम लोगों ने कहीं शिकायत नहीं दर्ज की है। दूसरी बार एक हफ्ते के अंदर हमारे बच्चे का बाल भी उठा मारे भी, हम सुबह पहुंचाए भी स्कूल में तो बोला काज रुकेगा। हम बोले कि बिना हमारे परमिशन का हमारा बच्चे नहीं रुकेगा, क्योंकि हम भाई वो खुद नहीं कर रहा है तो हम क्यों जबरदस्ती रोकेंगे, कुछ हादसा हो जाएगी तो हम उसके जिम्मेवार हैं। हमारा लड़का बोला नहीं पापा आप लेने आइएगा। हम बोले आएँगे बेटा थोड़ा उमर हम आएँगे क्योंकि जिम्मेदारी हमें है। फिर हमने शाम को ले जाए तो बच्चे को विद्यालय की तरफ से डरवाया गया, धमकाया गया कि अपने पिताजी को जब आएंगे तो न बताना, जब तुम चले जाना तो फिर जब रूम पे हम आए तो बताया। पिताजी हमारे को मास्टर एक ने मारे, हम बोले कौन सा सर जी हैं, वो बोले खान सर हैं, वो उसने मारे सब बच्चों के सामने हमके बुलवा के टेबल पे मारे, किसी मास्टर ने नहीं आवाज़ उठाई न बोले। और हम बोले किस कारण से मारे, गलत भी तो साबित होनी थी। कब उखाड़े, कल? हाँ कल, कल के डेट। सर मैं पिछले 2 दिनों से अवकाश पर था, आज सुबह मैंने ज्वाइन किया वापस और जैसे ही मेरे संज्ञान में ये बात आई मैंने तुरंत टीचर के लिए एक्सप्लेनेशन तुरंत दिया, नोटिस और एक कमेटी बनाई जिसमें 3 सदस्यों को रखा है। 24 घंटे के अंदर उस कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई है सर, कल तक हमारी ये रिपोर्ट आएगी और इस रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों के लिए तुरंत भेज दिया जाएगा सर, और जो कानूनन कार्रवाई है वो की जाएगी सर।